दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो सीपीयूज को। ये दोनों सीपीयूज जो है वो आपको 25,000 रुपीस से 35,000 रुपीस के लैपटॉप में ज्यादा दिखाई देते हैं। जो पहला सीपीयू है हमारे आज के कंपैरिजन का वो है इंटेल पेंटियम N6000 और ये सीपीयू इस साल ही रिलीज हुआ था, दैट इज जनवरी 2021 में। उसके बाद दूसरा सीपीयू है राइजन 3 3250U, ये जो प्रोसेसर है वो अराउंड 2 साल पहले रिलीज हुआ था, दैट इज जनवरी 2019 में। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे इंटेल पेंटियम N6000 का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 1.1 गीगाहर्ट्ज़ है और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो है 3.3 गीगाहर्ट्ज़। और राइजन 3250U का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ है और जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो है 3.5 गीगाहर्ट्ज़। सो यहाँ पे राइजन 3250U थोड़ा सा आगे है कम्पेयर टू इंटेल N6000। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में। यहाँ पे इंटेल पेंटियम N6000 आगे है राइजन 3250U से। इंटेल पेंटियम N6000 में आपको 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने मिलते हैं, जबकि आपको राइजन 3250U में 2 कोर मिल रहा है और 4 थ्रेड्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको राइजन सीपीयू में 2 कोर कम मिल रहा है कंपेयर टू इंटेल पेंटियम। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं फैब्रिकेशन डिजाइन के बारे में। अभी फैब्रिकेशन डिजाइन से ये पता चलता है कि कितना आपका सीपीयू पावर एफिशिएंट है। इंटेल पेंटियम N6000 जो है वो 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है और राइजन 3250U 14 नैनोमीटर पे बेस्ड है। सो इस केस में इंटेल पेंटियम क्लियर विनर है बिकॉज वो ज्यादा पावर एफिशिएंट रहने वाला है थैंक्स टू बेटर फैब्रिकेशन डिजाइन। उसके बाद बात करते हैं सीपीयू कैश साइज के बारे में। अब सीपीयू कैश साइज सिंपली मीन्स कि आपकी सीपीयू की मेमोरी कितनी है। जितनी ज्यादा सीबी की मेमोरी उतना बेटर रहता है। इंटेल पेंटियम का कैश साइज 5.5 MB का है और राइजन 3250U का जो कैश साइज है वो 5 MB है, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं TDP के बारे में, दैट इज थर्मल डिजाइन पावर। अभी इंटेल पेंटियम N6000 का जो TDP है वो है 6 W और राइजन 3250U का जो TDP है वो है 15 W। सो यहाँ पे इंटेल पेंटियम बेटर है बिकॉज TDP कम है इसका और इसका मतलब ये है कि आपका जो CPU है ज़्यादा हीट नहीं करेगा। सो ओवरऑल ये ज़्यादा बेटर है लैपटॉप के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, दैट इज बेंचमार्क्स। अभी अगर आप CPU बेंचमार्क्स कोर्स देखते हो, दैट इज Geekbench 5.3 पे, तो ये जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है यहाँ पे इंटेल पेंटियम N6000 727 पॉइंट स्कोर करता है और राइजन 3250U 687 पॉइंट स्कोर करता है, तो यहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंटेल पेंटियम अराउंड 5-6% ज़्यादा बेटर है राइजन से, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में दोनों ही CPU सिमिलर है। उसके बाद बात करते हैं CPU मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे अगेन Geekbench 5.3 के जो स्कोर्स है वो कुछ इस तरह से है। इंटेल पेंटियम N6000 का जो स्कोर है वो है 1784 पॉइंट्स और राइजन 3250U का जो स्कोर है वो है 1693 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगेन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 5-6% का ही डिफरेंस है, सेम लाइक सिंगल कोर। तो सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे राइजन 3250U में आपको रेडॉन RX वेगा 3 के ग्राफिक्स देखने मिलते हैं और इंटेल पेंटियम N6000 में आपको इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने मिलते हैं जो जैस्पर लेक पे बेस्ड है। अभी GPU बेंचमार्क पे अगर आप नज़र डालते हो तो GPixel स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही GPUs का। दोस्तों अगर आप पूछते हैं गेमिंग के बारे में तो मैं दोनों ही CPUs जो है वो गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता बिकॉज गेमिंग के लिए ये CPUs नहीं बने हैं, आपको कोई परफॉर्मेंस भी नहीं खास मिलेगा और अगर आप लो सेटिंग्स में भी खेलते हो तो काफ़ी कम गेम्स आप इस CPU पे खेल सकते हो। एकदम जो पुराने गेम्स है जैसे कि GTA Vice City हो गया या फिर Age of Empires हो गया, ये सब गेम्स आप थोड़े बहुत खेल सकते हो। सो गेमिंग पर्पज़ के हिसाब से आप इस CPUs को परचेस मत करो। ये दोनों CPUs जो है वो बेसिक टास्क के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, जैसे कि अगर आप वेब ब्राउजिंग करते हो ज़्यादा या फिर अगर आप ऑफिस एक्सेल पे काम करते हो। सो अगर आप ऐसे कुछ लाइट एक्टिविटीज करते हो तो आपके लिए ये CPUs काफ़ी अच्छे होंगे। सो बिजनेस पर्पस के लिए CPUs अच्छे रहेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको छोटे मोटे एक्टिविटीज़ के लिए एक लैपटॉप चाहिए तो ये CPUs काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब इन दोनों CPUs में से एक मुझे अगर पिक करना रहेगा तो वो होगा इंटेल पेंटियम N6000। द मेन रीजन इज बिकॉज ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहने वाला है कंपेयर टू राइजन 3250U और सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में स्लाइट एज आपको मिल रहा है इस CPU में। सो इसलिए इंटेल पेंटियम N6000 थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू राइजन 3250U। अगर आपको राइजन 3250U वाला मॉडल अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है अच्छे फीचर्स के साथ तो आप ज़रूर उसे कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस पॉइंट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब भी आप एक लैपटॉप परचेस करते हो, सो उसके ऊपर भी जरूर डिपेंड करेगा कि कौन सा सीपीयू आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं फ्रॉम HP और इस लैपटॉप में आपको इंटेल पेंटियम N6000 का सीपीयू देखने मिलता है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज जल्दी ही वो वीडियो आने वाली है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है लैपटॉप के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।